विश्व धरोहर शिमला कालका ट्रेन में रविवार को गत वर्ष की तरह बाबा भलकू की स्मृति में दूसरी अनूठी साहित्यिक यात्रा और गोष्ठी आयोजित की गई। इस यात्रा को हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा 33 लेखकों और संस्कृत कर्मियों के सहयोग से आयोजित किया गया। इस दौरान जगह जगह पर यात्रा में भाग ले रहे साहित्यकारों का जोरदार स्वागत किया गया। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन रविवार को दूसरी साहित्यिक यात्रा की गवाह बनी। यह अनूठी साहित्यिक यात्रा रविवार को शिमला रेलवे स्टेशन से सुबह करीब 11:45 बजे C11 कोच में शुरू हुई। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार और अपनी रचनाओं के लिए कई पुरस्कार जीत चुके SR हरनोट के नेतृत्व में चलाई गई इस अनोखी यात्रा में प्रदेश के करीब 3 दर्जन साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। यात्रा की अगुवाई कर रहे मंच के अध्यक्ष SR हनोट ने इस यात्रा के उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा और बाबा भलकू के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। SR हनोट ने कहा कि बाबा भलकू चायल के समीप झाझा गांव के एक अनपढ़ किंतु विलक्षण प्रतिभा संपन्न ग्रामीण थे, जिनकी सलाह और सहयोग से अंग्रेज इंजीनियर शिमला कालका रेलवे लाइन के निर्माण में सफल हो पाए। हमारी दूसरी यात्रा है जो हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच आयोजित करता है। ये यात्रा बाबा भलकू की स्मृति में है, जिन्होंने ये माना जाता है कि इस रेल लाइन का सर्वेक्षण किया था। भलकू जो अनपढ़ थे चायल के साथ झाझा गांव का, तो हमें ये लगा क्योंकि हमने 2-3 सालों से साहित्य आमजन के बीच एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें हमारा ये रहता है कि हम लिखने वाले जिन लोगों की, जिन वंचितों की, जिन बुलाए लोगों की बात करते हैं, हम उनके बीच नहीं जाते। तो हमने बहुत से ऐसे काम किए कि हम लोगों के बीच गए और उसी कड़ी में हमने ये देखा कि शिमला को जिस रेल से विश्व में एक प्राथमिकता मिली, विश्व पर्यटक स्थल ये घोषित हुआ, तो उसमें इस रेल का भी अहम भूमिका रही है। तो ब्रिटिश टाइम में रेल बनी थी और अब आप ये सोच सकते हैं कि ब्रिटिश जो इंजीनियर थे वो कितने बारंगत और कितने कुशल इंजीनियर थे, उसके बाद भी जापनी से आगे वो सर्वे नहीं कर पा रहे इस रेल का। तो बाबा भलकू ने जो अनपढ़ थे, उन्होंने अपनी कहते हैं कुबड़ी उनके पास थी, उसके साथ ही उन्होंने वो सर्वे किया था। यहाँ तक हिंदुस्तान तिब्बत रोड में भी उनका बहुत योगदान था। तो हमारा ये उद्देश्य इस यात्रा का था कि हम उस दुर्लभ और दिव्य आत्मा को याद करें जो हमारे हिमाचल से थी और जिसका विश्व में रेल के इतिहास के साथ नाम जुड़ा हुआ। साहित्यिक रेल यात्रा के दौरान जगह जगह पर मंच के सदस्यों का फूल मालाओं के साथ अभिनंदन किया गया और बड़ोग पहुंचने पर मंच से जुड़े साहित्यकारों से उत्तरी रेलवे अंबाला के मंडल रेल प्रबंधक दिनेश सी शर्मा ने मुलाकात की और उनका जोरदार अभिनंदन किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि रेलवे विभाग इस यात्रा से प्रेरणा लेकर आगामी दिनों में अपने स्तर पर भी साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कालका शिमला रेलवे लाइन पर हाल ही में प्रकाशित रेलवे कॉफी टेबल बुक की एक प्रति भी उन्हें भेंट की। इससे पहले कंडाघाट, सोलन स्टेशनों पर भी कुछ स्थानीय लेखकों, संस्कृत कर्मियों, पंचायत के प्रतिनिधियों और बहुत से गणमान्य लोगों ने पुष्प मालाओं और पुष्प कुंज भेंट कर तिलक लगाकर अभिनंदन किया। शिमला से बड़ोग तक की यात्रा में आने वाले स्टेशनों में समरहिल, तारादेवी, केथलीघाट, कंडाघाट और बड़ोग स्टेशनों पर कई सत्र आयोजित किए गए। सोलन में मीडिया से बात करते हुए मंच के अध्यक्ष SR हरनोट ने कहा कि बाबा भलकू के इतिहास को कोई नहीं जानता और उनके योगदान को भी कोई याद नहीं करता, इसलिए मंच द्वारा ये पहल की गई है ताकि लोगों को भी बाबा भलकू के बारे में और उनके योगदान के प्रति जागरूक व प्रेरित किया जा सके। विश्व धरोहर घोषित हो चुकी है, बाबा भलकू को कोई नहीं जानता, तो हम उसको रिवाइव करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमारा प्रयास है कि उस शक्ति को भी याद किया जाए। और जिस कठिनाई से ये रेल बनी है और जिस तरह ये बड़ोग टनल है और दूसरी टनलें हैं, उनका इतिहास हम लोगों को बताते हैं। इसमें भी जो हमारे साथ लेखक है उनके बीच भी हम इतिहास बताते हैं। युवा पीढ़ी को यही मैसेज है कि वो अपनी धरोहर और अपनी संस्कृति के प्रति, भले ही वो कितनी बड़ी पोस्टों पर चले जाए, विदेश में पढ़ने जाए, घर से बाहर निकले, लेकिन अपनी अपनी जो मिट्टी है, अपने जो संस्कार है और अपना जो इतिहास है, उसको जरूर पढ़े और याद करें। वहीं लेखिका प्रिया वंदना ने भी बाबा भलकू के इतिहास पर प्रकाश डाला। जो भलकू स्मृति के ऊपर आयोजित है, उसमें मैं अपनी एक रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसका शीर्षक ही भलकू है। बाशिंदा वो पहाड़ का अनपढ़ था, अनगढ़ नहीं, नाप लिए थे उसने रास्ते लाठी से,
जैसे नाप लेती है माँ भूख अपने बच्चे की मुट्ठी भर अनाज से। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन और शिमला।